बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं एक भाई खबर को इतनी अच्छी नहीं है, इससे आप भाइयों को अपडेट कर देता हूँ। मैं इंटरनेशनल फ्लैट्स के मुतल्लिक इस चीज़ का डेफिनेटली बात है भाई, असर होगा, ये अभी कंफर्म हो चुका है। हालांकि मैं ऐसा सोच नहीं रहा था कि इतनी जल्दी ये काम हो जाएगा। कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि सऊदी अरेबिया में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई भी किसी किस्म का केस रिकॉर्ड नहीं किया गया इस न्यू वायरस का, यानी कि ओमिका। तो आज भाई एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई वजारत सेहत की तरफ से, जिसमें बताया गया कि एक मरीज़ इस न्यू वायरस का सामने आया जो कि सऊदी शहरी है, अफ्रीकन कंट्री से यहाँ पर सफ़र कर चुका था। तो उसको कंटेन वगैरह तो कर दिया गया है अलहदा से 14 दिन का, और उसकी भाई मेडिसिन वगैरह जो भी, यानी कि उसका मामला था वो देखे जाएंगे। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई जो वजारत सेहत की गई है उसमें सिर्फ आपके साथ एहतियाती तदाबीर कुछ आपको बताई गई हैं। और मुझे लग रहा है एक तो आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है मास्क फिर से लाजम हो जाए, और बूस्टर शॉट के मतलब ये बताया जा रहा है कि तीसरी डोज जिसे बोलते हैं हम, आप अपनी सेहती में चेक कर सकते हैं, वो लाजम लगवाएं। अभी ये लाजम तो उन लोगों ने बोल दिया, लेकिन ऐसे लाजम नहीं है कि इंटरनेशनल फ्लैट्स के मतलब लाजम हो, मॉल वगैरह में लाजम हो, ऐसी अभी तक उस तीसरी डोज को लाजम करार नहीं दिया गया। लेकिन आने वाले दिनों में थर्ड डोज यानी कि बूस्टर शॉट भी लाजम हो जाएगी तमाम तर मॉल्स में इंट्री को लेकर और इंटरनेशनल फ्लैट्स वगैरह के मतलब भी। अगर फ्लैट्स की बात करें तो सऊदी अरेबिया में तो केस सामने आ चुका है एक, इस चीज़ का भाई इंटरनेशनल फ्लैट्स के ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं होगा, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के फ्लैट्स के मुताबिक बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम तक जब तक पाकिस्तान में केस या इंडिया में केस रिकॉर्ड नहीं होंगे, जब भाई पाकिस्तान में केस सामने आ गए ना, यानी कि एक केस पाकिस्तान में रिकॉर्ड हो गया जिस दिन, उसके समझ लीजिएगा कुछ ही दिनों बाद फिर सऊदी अरेबिया कुछ दिनों के लिए हो सकता है दोबारा से फ्लैट्स बंद कर दें। क्योंकि सऊदी अरेबिया में केस रिकॉर्ड होना एक और अलग बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुआ तो फिर पाकिस्तान की फ्लैट्स के ऊपर इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा। बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात आप भाइयों को महफूज रखे, अपने अफसर में अपनी छुट्टी और इकामा वगैरह चेक करते रहें, जैसे ही भाई भरे उसी टाइम सऊदी अरेबिया की फ्लैट्स वगैरह लेकर सफ़र करें, यही बेस्ट है। मुझे पता है जी आपके टिकट महंगी थोड़ी खरीदनी पड़ेगी, कंटेन का पैकेज जहाँ पर जो रेट चल रहा है वो, आप दो चार दिन वक्फे की ले लेंगे वो बेस्ट रहेगी आपके लिए।